नमस्कार दोस्तों, समान विज्ञान। आज हम लोग पढ़ेंगे आरआरबी एनटीपीसी सीरीज का घटना चक्र का समान विज्ञान में जीव विज्ञान का जीवाणु विषाणु तथा लाइकेन। ये सेट टू है। यदि आप लोगों ने इसके पहले सेट वन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर साइंटिफिक वे में रेलवे एनटीपीसी की घटना चक्र को व्यवस्थित ढंग से अपलोड किया जा रहा है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक है जीवाणु विषाणु तथा लाइकेन। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? ए साल्मोनेला, बी राइजोबियम, सी इकोली, डी एस्यूडोमोनास। इसका सही आंसर है बी राइजोबियम। नाइट्रोजन फिक्सिंग की बैक्टीरिया कौन सी है? राइजोबियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दूध खट्टा हो जाता है तो किसका उत्पाद होता है? ए लैक्टोज, बी लैक्टिक एसिड, सी सैलिसिलिक एसिड, डी लिनोलिक एसिड। इसका सही आंसर है बी लैक्टिक एसिड। जब दूध खट्टा हो जाता है तो लैक्टिक एसिड का उत्पाद होता है। दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? ए स्ट्रेप्टोमाइसिस, विब्रियो, लैक्टोबैसिल्स, डी एस्पिरिला। इसका सही आंसर है सी। देख लीजिए, ये आरआरबी 2016 में फर्स्ट पाली में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर को एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्य को एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है? हेमोफिलिया, कैंसर, सी रेबीज, डी गलसुआ। इसका सही आंसर होगा रेबीज। रेबीज जो कि कुत्तों को कुत्ते के काटने से होता है। रेबीज वायरस तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। निम्न में से कौन सा एक विकल्प द्वारा एचआईवी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित होता है, अन्य से नहीं? ए मच्छर काटने से, स्तनपान से, एक ही सुई का बहुप्रयोग, डी यौन संबंध। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मच्छर के काटने से एचआईवी का प्रसार नहीं, बल्कि स्तनपान, एक ही सुई के बहुप्रयोग, यौन संबंध से एचआईवी का फैलाव होता है। पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई? ए आइजैक न्यूटन, बी मैरी क्यूरी, सी जोनास सॉल्क, डी अल्बर्ट आइंस्टीन। इसका सही आंसर है जोनास सॉल्क। ओरल पोलियो वैक्सीन, वो था पोलियो वैक्सीन, और यह ओरल पोलियो वैक्सीन के द्वारा विकसित किया गया है। एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अल्बर्ट सोबिन, डी जोनास सॉल्क। इसका आंसर हो जाएगा अल्बर्ट सोबिन। याद रखिएगा, ओरल पोलियो, पोलियो दोनों अलग अलग है। पोलियो का साल, जबकि ओरल पोलियो का अल्बर्ट सोबिन। ये बहुत अच्छी बुक है। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होती है? चूहा, बी मच्छर, सी झिंगू, डी खरगोश। इसका आंसर हो जाएगा मच्छर। जीका वायरस मस्तिष्क में होता है। भ्रूण के मस्तिष्क से नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस किसके द्वारा भाग होता है? ए मच्छर, बी जल, सी वायु, डी भोजन। इसका आंसर ए होगा मच्छर। चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? ए एडवर्ड जेनर, बी रॉबर्ट कोच, सी पर्ल केंड्रिक, डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसका आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? ए एन्यूरिज, बी कार्डियोमायोपैथी, सी डिप्थीरिया, डी मायोकार्डिक रप्चर। इसका सही आंसर हो जाएगा सी डिप्थीरिया। एन्यूरिप कार्डियोमायोपैथी दिल और हृदय से संबंधित रोग है, जबकि डिप्थीरिया दिल से संबंधित रोग नहीं है। पीला बुखार, पीत ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच कैसे फैलता है? मादा मच्छर के काटने से, नर मच्छर के काटने से, पानी से, वायु से।
इसका आंसर हो जाएगा ए, मादा मच्छर के काटने से पीला बुखार इंसानों में फैलता है। ठीक है, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसका नेक्स्ट सीरीज फिजिक्स का 12 बजे अपलोड होगा। तब तक के लिए जय हिंद।